देखिए विजेंद्र बाबू हम लोगों की पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं, तो उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर कहा है, सोच समझ कर कहा है, स्वाभाविक रूप से की बात में दम तो है ही। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार NDA में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो बयानबाजियों का सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है, कभी जीतन राम मांझी तो कभी बिहार सरकार के मंत्री ये सवाल खड़े करते रहते हैं कि NDA में कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन होना चाहिए। इससे पहले जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी लगातार जब महागठबंधन में थे तो वो इस बात की मांग कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की जाए, और गठन नहीं हुआ इस वजह से छोड़कर वो NDA में शामिल हो गए। लेकिन अब इस बात की मांग जो है वो बिहार सरकार में मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव ने इस बात की मांग की कि आखिरकार पहले जिस प्रकार से NDA की बात करें, भाजपा JDU की बात करें, तो किसी प्रकार की कोई बातचीत करने के लिए पहले लोग आपस में बैठते थे, तब मीडिया के सामने आते थे, लेकिन अब कोई भी बात पहले मीडिया में आती है तब लोगों तक पहुंचती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन होनी चाहिए, इस बात की मांग विजेंद्र यादव ने कल की थी। और अब इसको लेकर जो उपेंद्र कुशवाहा है, जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस बात को लेकर हामी भरी है। उन्होंने कहा कि विजेंद्र यादव ने जो मांग किया है, विजेंद्र बाबू ने जो मांग किया है वो सही है, आखिरकार वो वरिष्ठ नेता है तो बिल्कुल सही मांग है उनकी। इस तरीके की बात उपेंद्र कुशवाहा ने विजेंद्र यादव की बात को लेकर कही है, स्पष्ट रूप से समर्थन दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने विजेंद्र यादव की बातों को, और कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की मांग शुरू है। जीतन राम मांझी ने जब महागठबंधन में थे वो उस वक्त वो मांग कर रहे थे, NDA में जब आए तो NDA में भी वो इस बात की मांग करते रहे, लेकिन अब खुद जनता दल यूनाइटेड इस बात की मांग कर रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन होनी चाहिए, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार NDA में कितना कुछ ठीक है। किस प्रकार से विजेंद्र यादव ने उस बात को कही और किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी बातों को हामी भरा है और क्या कुछ कहा है विजेंद्र यादव को लेकर, सुनवाते हैं उनके बयान। NDA की बात कही थी और आपने भी पढ़ा होगा जो उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे, क्या वाकई कितनी जरूरत है उपेंद्र जी, क्योंकि आए दिन बयानबाजी हो रहा है, आए दिन किसी न किसी को किसी बिंदु पर नाराजगी होती है गठबंधन में। देखिए विजेंद्र बाबू हम लोगों की पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर कहा है, सोच समझ कर कहा है, स्वाभाविक रूप से की बात में दम तो है ही। इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, क्या किया जाना चाहिए वो विषय चर्चा का नहीं है, वो तो जिनको करना है वो करेंगे, लेकिन विजेंद्र बाबू ने जो कुछ कहा है हमने यही कहा कि उसमें दम है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाना चाहिए, इसके लिए आप लोग पक्षधर हैं इसके, और इसके लिए विजेंद्र बाबू ने कहा उनकी बात में दम है, इसका अभिप्राय तो मुझको लगता है कि आप लोग समझ गए होइएगा। अच्छा मांझी जी बार बार ये कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, पीने से ना थोड़ा पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर वो बयान आती है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए पता चलेगा कि कह रहे हैं कि सच है या गलत है। देखिए अरे उस तरह से यह मैंने ऐसा बयान जो उनका है कोई पहली बार तो आया नहीं है, कोई नया बयान तो है नहीं, अनेक बार सेम इसी लाइन को बोल चुके हैं पहले भी, तो लगातार बोल रहे हैं। अगर कल उन्होंने फिर से कहा है तो रिपीटेशन है, रिपीट किया है उन्होंने, तो पुराने बयान पर क्या रोज प्रतिक्रिया। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर जो बातें चल रही हैं वो जरूरत नहीं है, हम लोग नीतीश कुमार को नेता मानते हैं, तो ये सब चीज कहाँ से आ रही है? आपकी बात नहीं, मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि इस तरह के कोई कमेटी की जरूरत नहीं है, बिहार में हम लोग नीतीश जी को नेता मानते हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी को सभी लोग मानते हैं। या तो उसमें तो हमने कहा ना, उस पर तो उसी सवाल का जवाब हमने दे दिया, फिर अलग से क्या जवाब दे।